हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, अगेन मैं एक और कंपनी के बारे में वीडियो लिख रही हूँ। गाइस, ये भी रिस्की ही कंपनी है। जैसे कि आप देख रहे हो, 1702 रुपीज़ का इसका अमाउंट देखने को मिल रहा है एंड 0.54% की गिरावट। गाइस, इसके चार्ट में आप देख रहे हो कितना वॉलेटाइल हो रहा है। ये चार्ट कितना मतलब गिरा है, फिर बढ़ा है, फिर गिरा है, एकदम से गाइस इसमें गिरावट देखने को मिली है। पिछले 5 दिन की बात करें तो गाइस 2.72% का इसने गिरावट देखने को मिली है और गाइस पिछले 5 साल में 1500% का रिटर्न दिया है। सो इस ये कंपनी ऐसी वैसी नहीं रही। कुछ कंपनियां होती हैं जो गिरती तो बड़ी तगड़ी हैं बट रिटर्न भी उतना ही तगड़ा है देती हैं। गाइस, जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि इस कंपनी का जो नाम है, आप देखेंगे इस कंपनी का नाम है यशो इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी है गाइस। और इसका जो मार्केट कैपिटल है 1940 करोड़ का है। सो गाइस, ये बिल्कुल ही माइक्रो कंपनी है, स्मॉल भी नहीं, माइक्रो कंपनी है गाइस ये। एंड इसका आरओसी आरओई काफ़ी ज़्यादा अच्छा सही देखने को मिलता है। इसका प्रॉफिट ग्रोथ भी 74 अच्छा है गाइस। देखिए इसकी परफॉर्मेंस क्वार्टर टू की रिजल्ट में काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही है एंड मार्केट ने भी इसको काफ़ी अप्रिशिएट किया है गाइस। इसकी इंस्टेंट वैल्यू भी अच्छी है, डिविडेंड भी इसने 0.03% का दिया है गाइस। देखिए हाई जितना बनाया था उतना देखिए लो भी 1000 तक का बनाया। तो गाइस जब ये गिरता है ना ये स्टॉक 40 से 50% तक गिरता है और जब उठता है तो 1500 तक की रिटर्न देकर जाता है गाइस। देखिए यशो इंडस्ट्री जो है एक ही स्पेशलिस्ट केमिकल, फूड एंटीऑक्सीडेंट, अरोमा केमिकल, रबर एक्सेलेटर, ये सब काम करती है गाइस। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, इसके जो अडानी विलमारना इसके क्लाइंट है, बिरला टायर, ये सब इनके क्लाइंट है गाइस। बस इसमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि इसमें प्रमोटर की होल्डिंग एज इट इज बनी हुई है। FIS की होल्डिंग बहुत कम है, DIS की तो होल्डिंग ही नहीं है गाइस एंड वही पब्लिक की होल्डिंग भी है गाइस। लेकिन पता डर किस बात का नहीं होता कि सबसे पहले पैसा डूबेगा ना, सबसे पहले प्रमोटर का डूबेगा। क्योंकि हमारा चलो जब आपको पता है जब कंपनी लॉस में जाती है तो सबसे पहले जिसके सबसे ज़्यादा स्टेक होते हैं, जिसके सबसे ज़्यादा होल्डिंग होती है, वो सबसे ज़्यादा लॉस में जाता है। तो सबसे पहले नंबर पे आएंगे प्रमोटर्स। लेकिन गाइस मैं बस इतना ही बोलूँगी, देखिए है तो स्टॉक रिस्की तो आप इसको अपने रडार लेवल पे रख सकते हैं एज फॉर स्टडी पर्पज़ से। इसलिए मैं आपको यही बोलूँगी, अगर स्टॉक है आपके पास तो टाइम से जिस तरीके से इसमें गिरावट देखने को मिल रही है, अगर आपको लगता है एग्जिट होना है तो आप एग्जिट पॉइंट देख कर अपना एग्जिट हो जाइए। एंड एंट्री के लिए गाइज मैं भी कुछ रिकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि गाइज ये वीडियो जो है स्टडी पर्पज़ से है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं आज वीडियो में आपको बता रही हूँ कि नहीं ये स्टॉक अच्छा है आप कर लो और इन्वेस्ट कर लो। देखिए इसमें रिस्क और रिवॉर्ड दोनों ही फेवरेट नहीं है। जितना ये रिवॉर्ड देता है उतना तगड़ा ही स्टॉक गिरता है, रिस्क भी देता है। लॉन्ग टर्म के लिए बने रहोगे तो आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा गाइज, वही कहीं ना कहीं लॉस भी झेलना पड़ेगा। बाकी गाइज डिपेंड आप लोगों पर करता है। ये वीडियो जो थी स्टडी पर्पज़ से थी, आप इसको एज अ लर्निंग पर्पज़ से स्टॉक को रख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो अपने रडार पर। सो गाइज आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। गुड बाय गाइज, थैंक यू।